हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट क्लास 11th की है, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो 9th से रिलेटेड है, जो आप 9th से भी पढ़ के आए हैं, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक मास क्या है। बेटा नेम से डिफाइन है, मास है किसका, एटम का। तो हम एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन कैसे देते हैं उसकी। एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट is called atomic mass। तो एटॉमिक मास में बेटा सिर्फ हमें ये देखना है कि जो एटम का जो मास होगा उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास की यूनिट्स क्या होती है वो हमें देखनी है। तो यूनिट्स क्या क्या होती है इसकी, जनरली इसको हम लिखते हैं बेटा ए एम यू से, यू से एंड डी ए से। ए एम यू क्या होता है, ए से एटॉमिक, एम से मास, यू से यूनिट, और यू से भी यहाँ यूनिट ही है बेटा। एंड डी ए क्या है बेटा, डाल्टन साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्टली एटम के बारे में बताया था, इसीलिए इसकी जो यूनिट है हम क्या लिखते हैं, डी ए से भी। जनरली हम ए एम यू या फिर यू से ही लिखते हैं, डी ए से बहुत कम डिनोट करते हैं, बट इसकी यूनिट होती है, ये आपको ध्यान रखनी है कि डाल्टन साइंटिस्ट थे, उन्हीं के ही नाम पे डी ए यूनिट रखी गई थी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ए एम यू है, वन ए एम यू, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और वो कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा, इसके लिए सबसे पहले एक रेफरेंस लिया गया था, एक एलिमेंट रेफरेंस लेते हैं, उसके बेस पे बेटा हम किसी भी एलिमेंट के मासेस को कैलकुलेट करते हैं, मास को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो हमारा जो रेफरेंस था वो क्या था। रेफरेंस क्या लिया गया था बेटा, C12 एटम को क्यों लिया गया था, इसका रीजन क्या था। रीजन बेटा ये था, एक तो सबसे पहले कि जो इसकी अबेंडेंस थी नेचर में बहुत ज्यादा थी, इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसीलिए C12 एटम को रेफर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड की, तो कार्बन जो एटम होता है बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, इसका मतलब तो ये फ्री स्टेट में होगा ही नहीं, जल्दी जल्दी रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कंपाउंड या मॉलिक्यूल। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो कार्बन 12 है वो इजीली रिएक्ट नहीं करता है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होता है, मॉडरेटली रिएक्टिव होता है। थर्ड अगर हम बात करें इसकी, तो थर्ड हम ये कहेंगे बेटा कि इसकी जो आइसोटोप, जिस टाइम इस एटॉमिक मास की यूनिट जो थी ए एम यू, इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो एक्चुअल में इस टाइम उसके आइसोटॉप्स नहीं हुए थे, या हम कहें उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे। तो जो ये आइसोटॉप्स थे C13 और C14, ये बेटे इनके अबेंडेंस नेचर में बहुत ही मिनिमम होती है, मैक्सिमम किसकी होती है, C12 की। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन के जो एटम सॉरी आइसोटॉप्स जो थे वो नहीं थे, इसी वजह से इजीली इसको रेफर किया गया। ठीक है, तो हम कार्बन 12 के बेस पे क्या करते हैं, यहाँ पर किसी भी जो ए एम यू एटॉमिक मास यूनिट है उसकी क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारे पास ये लिया C12 एटम, तो हम ये कहेंगे 12 ए एम यू इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, वे ऑफ 1 कार्बन एटम। ये तो 12 ए एम यू है, हमें किसकी निकालनी है, 1 ए एम यू की। 12 क्यों लिया बेटा, इस कार्बन का मास कितना है 12, तो हम यहाँ पर 1 ए एम यू की वैल्यू निकालेंगे। 1 ए एम यू इज इक्वल टू क्या होगा, 1/12 वेट ऑफ कार्बन 12 एटम। यहाँ पर कार्बन 12 लिखना जरूरी है क्योंकि बेटा हमने इसी को ही रेफर किया है, इसीलिए। तो यहाँ पर वेट ऑफ जो कार्बन 12 एटम है इसकी एक्सपेक्ट
एक्सपेरिमेंटली वैल्यू दी हुई है बेटा, ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कैलकुलेट की हुई है पहले से ही, कैसे, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो ये वैल्यू फिक्स है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो 1 AMU = क्या होगा, 1/12 × 1.99 × 10⁻²⁰ ग्राम में होती है। अब जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास 1 AMU = क्या आ जाएगा बेटा, 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 1 AMU की। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, याद नहीं रख सकते, अगर इसकी याद है तो आप कैलकुलेट कर लेना, वैसे इजी है, आप इजीली याद रख सकते हो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम, कि ये तो 1 AMU की वैल्यू निकल गई, ये तो हमारे पास क्या आया, एटॉमिक मास आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखो आगे क्या लिखने हैं, ग्राम। तो अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जो मास किसका था, एटम का, अगर हम उसको किसमें रिप्रेजेंट करें, ग्राम के अंदर, तो वो हमारा क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो जो मास ऑफ एन एटम है किसी भी एलिमेंट का, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है किससे, ग्राम से, वो हमारा हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, क्लियर। तो ग्राम एटॉमिक मास जो है वो हमें पता चल गया। अब अगर हम ये कहें सपोज कि हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा बेटा, एटॉमिक मास बोला है मैंने, जिसकी यूनिट AMU होती है, ध्यान रखना आपको क्या करना है, कार्बन का मास कितना होता है 12, यहाँ AMU लिख दिया। तो आपको अगर ये बोला जाए ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो आप क्या लिखोगे, 12 ग्राम। तो बेटा मैंने यही कहा कि किसी भी एटम का जो मास होता है हम उसको ग्राम में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ये तो हमारे पास आ गया कि एटम का मास क्या है और ग्राम एटॉमिक मास क्या है। अब हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अब हमें पढ़ना है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, फिर हम उसको उससे आगे पढ़ेंगे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो अभी हमें स्टार्ट करना है मॉलिक्यूलर मास। अभी मैंने कहा बेटा मॉलिक्यूल कब बनते हैं, जब एटम्स क्या होते हैं, कंबाइंड। जैसे मैंने बोल दिया कि A+B कंबाइंड होके क्या बना रहा है, C बना रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये कहा कि A और B है, ये हमारे पास क्या होंगे, एटम, और ये हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूल, क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग हो चुकी है। बॉन्ड जब बन जाता है तो हमारे पास जो आता है वो मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड आता है। तो हमें यहाँ पढ़ना है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो बेटा मॉलिक्यूल किससे बना, एटम से, और इस एटम का कुछ ना कुछ मास होगा। अगर ये दोनों कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो इन दोनों का मास भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास आया उसका मास निकल के आ जाएगा। कैसे, कि हमने अभी कहा कि इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, इसका भी मास होगा, दोनों को प्लस कर दो, सी बन रहा है, वो हमारे पास इसका मास निकल के आ गया, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास को हम डिफाइन कैसे करेंगे, सम ऑफ All atoms of element present in molecule. Molecule के अंदर जितने भी atoms present हैं, ठीक है, sum of mass, बेटा mass भी इसने लिखना है आपको, sum of mass of all element एटम्स, ठीक है, एटम्स का जो मास होता है उसको आपको सम करना है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अभी एग्जांपल दूं कि हमारे पास जो H2 है वो O2 के साथ कंबाइंड होके क्या बना रही है, H2O। तो H2O में बेटा देखो कितने एटम है, एक तो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो आपसे ये पूछते हैं कि जो मास है
H2O का वो कितना होगा? हमें पता है H2O क्या है, मॉलिक्यूल, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना है निकालना है, बहुत सिंपल है बेटा। आप क्या करोगे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। आप तो आपने क्या किया, दोनों एटम के मास को प्लस किया, बट बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम मास जो लिखेंगे वो ओनली वन एटम का, यहाँ पर एटम 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस करोगे तो क्या आएगा 18। ये आपके पास जो मास आया वो क्या आया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O वाटर। ठीक है, अब बेटा इसमें हमने क्या करना है, जैसे एटॉमिक मास को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ग्राम, सेम एज इट इज। जो मॉलिक्यूलर मास आया ये आया अभी, अगर हम इसको किससे रिप्रेजेंट करें, ग्राम के अंदर, तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे ये तो है मॉलिक्यूलर मास किसका, वाटर का, आपसे कहे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O क्या होगा बेटा, 18 ग्राम। बस बहुत सिंपल है, जो आपके पास एटम का मास था उसको जब हमने ग्राम में रिप्रेजेंट करना था वो होता है ग्राम एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल के मास को हम क्या कर रहे हैं, ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा आपका, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर, तो ये आपका हो गया एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, और उसी के साथ हो गया बेटा ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब हम इसी के साथ एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसी में ही ऐड करके, मोल कंसेप्ट, उसका एक छोटा सा पार्ट देखेंगे, फिर हमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करना है कि जो AMU है, ग्राम है, मोल है, उनमें क्या क्या रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, मोल कंसेप्ट। बेटे एक साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो, जिन्होंने क्या किया था, मोल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया था, मतलब कि मोल क्या होते हैं ये एक्सप्लेन किया था। तो एक्चुअल में एवोगैड्रो ने क्या किया था, एक नंबर दिया था जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, और ये जो एवोगैड्रो नंबर है बेटा इसकी वैल्यू फिक्स है 6.022 × 10³। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि जो 1 मोल होता है वो किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर के, और इस एवोगैड्रो नंबर को बेटा Na से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम ये कहेंगे 1 mol = Na, दैट मीन्स एवोगैड्रो नंबर, या 1 mol = क्या आ जाएगा 6.022 × 10³। ये आ गई, बस इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है बेटा, अगर यहाँ पर 1 mol एटम्स दिया हुआ है तो यहाँ भी क्या आएगा 6.022 × 10³ एटम। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 mol एटम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप बताओगे 6.022 × 10³ एटम्स कार्बन के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर मैंने ये कहा 1 mol मॉलिक्यूल ऑफ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल आ जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि 1 mol का की वैल्यू हमारे पास आ गई, बेटा इसको एक और कंसेप्ट में भी लिखते हैं कि जो 1 mol होता है वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ एन एटम या फिर मास ऑफ एन मॉलिक्यूल, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब जैसे मैंने कहा 1 mol ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू क्या होगा, कार्बन का मास कितना होता है 12, तो किसके इक्वल होगा 12 ग्राम के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक और कंसेप्ट आता है बेटा, गैसेस के लिए एक अलग से वैल्यू होती है वो आपको ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ पर गैसेस के लिए क्या बताते हैं, गैसेस के लिए हमें वॉल्यूम लेनी होती है। ठीक है, यहाँ हम एटम्स मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, वहाँ हमें वॉल्यूम लेनी होती है। तो हम क्या लिखते हैं, 1 mol ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या होता है 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस।
ठीक है, उसके लिए ये वैल्यू होती है, ये आपको ध्यान रखना है। गैसेस के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, अदर्स के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए, कंपाउंड्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, अब ये था मोल कॉन्सेप्ट्स, ये छोटा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल्स बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। बेटा अगर आपने ये चीज़ देखी है तो वन मोल किसके इक्वल है एवोगैड्रो नंबर के, और वन मोल किसके इक्वल है मास ऑफ एन एटम के। तो यहाँ से एक और भी तो रिलेशन आ सकता है क्या, कि जो एवोगैड्रो नंबर है वो किसके इक्वल होगा। मैं यहाँ पर मास ऑफ एन एटम की जगह एटॉमिक मास लिख सकते हैं, तो एटॉमिक मास के या फिर मॉलिकुलर मास के। तो यहाँ पर हमारे पास एक और फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था मोल कॉन्सेप्ट्स। अब हम इसमें आगे स्टार्ट कर रहे हैं कि जो आपके पास AMU है, ग्राम आया, मोल आया, ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशन होता है एक्चुअल में, वो हमें निकालना है। तो अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन AMU, ग्राम एंड मोल। क्या रिलेशनशिप होगा वो आपको समझना है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि मास जो होता है एक एटम का, मास ऑफ वन एटम, कार्बन 12 का वन एटम है, उसका मास कितना होता है बेटा, 12 U। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां हमने कहा वन एटम, अगर आपके पास क्या प्रेजेंट हो, एनए एटम, एनए एटम का मतलब एवोगैड्रो नंबर से है यहाँ पर, ऑफ C12, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, 12 एवोगैड्रो नंबर साथ में आ रहे हैं, तो आप इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे। अगर अब हमें बात करनी है मोल की, तो हमें पता है कि ये एवोगैड्रो नंबर है, और एवोगैड्रो नंबर किसके इक्वल होता है, वन मोल के, तो आप यहाँ पर क्या लोगे, वन मोल एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 Na U, एज इट इज आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है ना, तो इनकी वैल्यूज क्या आएंगी, इक्वल। बेटा एक चीज और बताई थी कि वन मोल किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास के भी। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा यहाँ पर, 12 ग्राम। ये वैल्यू भी क्या है, अगर हम ये चीज देखें तो यहाँ पर अगर देखोगे तो 12 एवोगैड्रो नंबर यूनिट एंड 12 ग्राम है यहाँ पर, तो हम इन दोनों को इक्वल मान सकते हैं, NaU इज इक्वल टू 12 ग्राम। 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ग्राम पर Na। क्या हम ये लिख सकते हैं, 1 ग्राम पर Na, और Na की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आपको भी पता है, 1/6.022 × 10^23 ग्राम। और जब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा क्या आएगा, 1.66 × 10^-24 ग्राम। आपने देखा होगा कि जो 1 AMU था उसकी वैल्यू भी ये आ रही थी, और 1 U की भी वैल्यू ये आ रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू क्या है, 1 U। ये चीज क्लियर है। अब बेटा इसी से ही हम एक और कंसेप्ट लेते हैं, क्या, कि जो एवोगैड्रो नंबर है वो किसके इक्वल होता है, 1 मोल के। हमें पता है Na इज इक्वल टू क्या है, 1 मोल, तो हम यहाँ पर 1 मोल लिख सकते हैं, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल। आपके पास रिलेशन निकल के आ गया है, क्या रिलेशन निकल के आया बेटा, हमारे पास इनमें रिलेशन निकल के क्या आया है, U इज इक्वल टू आपके पास था ग्राम पर Na, एक तो ये चीज था। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू ये किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है, तो आप क्या करोगे, ग्राम पर मोल। आपके पास ये आ गया है रिलेशन।
बेटा हमने अभी का 1 AMU इज इक्वल टू क्या है 1 U, तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं AMU इज इक्वल टू ग्राम पर मोल। हमें ये रिलेशन निकालना था, हमने ये रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। अब इसी में ही हम एक चीज और पढ़ते हैं कि आपने मॉलिक्यूलर मास भी पढ़ा है और एक मोलर मास भी पढ़ा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। एक्चुअल में अगर हम वैल्यू देखें तो हमें सेम दिखाई देती है, बट ये सेम नहीं होती है, तो हमें क्या करना है, मोलर मास को डिफाइन करना है। तो हम कैसे करेंगे मोलर मास को डिफाइन, बहुत सिंपल है बेटा। मोलर मास मॉलर मास जो होता है बेटा, आपके पास कोई भी मोल है, 1 मोल है, उसके अंदर हमें पता है कि ग्राम के अंदर भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास होता है, दैट मीन्स वो ग्राम के अंदर होता है। तो मोल कंसेप्ट को ग्राम के अंदर जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मॉलर मास, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि 1 आपके पास एटम है, किसका सल्फर का, तो हम ये लिखेंगे कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर क्या होता है, 32 U। मैंने आपको क्या कहा कि बेटा किसी भी एटम का जो मास है वो हम किससे ले रहे हैं, मोल से लेके चल रहे हैं और उसको फिर ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, मोलर मास। तो इसको तो आप मोलर मास बोल नहीं सकते, तो हम ये कहेंगे कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फर। अब यहाँ 1 मोल आ गया, दैट मीन्स 32 U × 1 मोल। अब बेटा यहाँ पर यू इज इक्वल टू क्या था, हमने अभी अभी निकाला, क्या था, ग्राम पर मोल, ये हमने निकाला था, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 32 ग्राम पर मोल, और इंटू में क्या है, मोल, मोल से मोल कैंसिल, तो क्या आया 32 ग्राम। हमने 1 मोल ऑफ एटम को इसमें रिप्रेजेंट किया ग्राम में, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मोलर मास, क्लियर है। तो आज हमारे ये टॉपिक्स हो गए हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और मोल कंसेप्ट भी हमारा हो गया एंड मोलर मास भी हो गया। इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कि कौन कौन से न्यूमेरिकल है और हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपसे हो पाते तो आप करेंगे, मैं अभी आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, नेक्स्ट में हम उनको सॉल्व कर देंगे अगर किसी को प्रॉब्लम आए। तो बेटा जो क्वेश्चन है वो नोट डाउन करोगे आप सभी, क्वेश्चन आपके पास है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन द फॉलोइंग। कौन कौन से नंबर ऑफ एटम्स हैं वो आपको मतलब निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स। फर्स्ट मैंने दिया बेटा 52 मोल ऑफ हीलियम, सेकंड मैंने दिया है 52 U ऑफ हीलियम, एंड थर्ड मैंने दिया है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ये आपको सॉल्व करना है, अगर सॉल्व हो जाता है तो बेस्ट है, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई उसी के बेस पे करना है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ बेटा, आपने ये पढ़ा होगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हमें कैलकुलेट करने के लिए उसको वैन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 8 बाय मॉलिक्यूलर मास, एक तो ये फॉर्मूला होता है। एक बेटा एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड अगर हम देखते हैं मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल्स में, तो एक और फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्वांटिटी, मतलब नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये दो आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं और इनके बेसिस पे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। आप आंसर बताओगे कल, मुझे सॉल्व करोगे, करवाओगे, एंड कल हम बेटा इसके बारे में और डिस्कस करेंगे,
सी यू, कल मिलते हैं, टेक केयर।